तो क्या गाइज हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री गेम के अंदर आ चुकी है ओमनी पुलिस कार। अरे कहना क्या चाहते हो। हे गाइज वेलकम बैक टू इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री गेम की वीडियो। फिर से गाइज आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री गेम के कुछ मिथ को कंफर्म या बस्ट। तो आज की वीडियो गाइज बहुत ही ज्यादा धमाकेदार एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देख रहे हैं। न्यू अपडेट के न्यू मिथ लेकर आया हूँ इस वाली वीडियो के अंदर। तो एक काम तो रह गया गाइज, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। तो चलो गाइज मिथ एंड बस्ट को कर देते हैं स्टार्ट। ओके, जो हमारा फर्स्ट मीट है ललिता कुमारी की तरफ से मीट, पहले कोई भी व्हीकल स्पॉन करवा लो, उसके बाद उसे व्हीकल को फोड़ दो, फिर गैलरी ऑप्शन में ओपन करके कलर बदलते रहो, और उसके बाद जब व्हीकल गायब हो जाएगी तो एक मैजिक होगा। तो चलो गाइज आई थिंक मेरे ख्याल से सभी को ये मीट समझ में आ गया होगा, और जिसको नहीं आया होगा वो अब देख लेना जो मैं इस मीट को करने वाला हूँ बिल्कुल सही तरीके से। तो गाइज मैं पहले एक स्विफ्ट कार को स्पॉन कर लेता हूँ, मुझे ये नहीं पता कि ये कन्फर्म मीट है या बस्ट मीट है, तो जल्दी से करते गाइज मैंने स्विफ्ट कार को स्पॉन कर लिया। अरे मुझे कलर चेंज नहीं करना, पहले से ब्लास्ट करना है। तो देखो गाइज मैं पहले कलर चेंज करने लग जाता हूँ, बट ऐसा नहीं है, पहले से ब्लास्ट करना है, फिर इसमें गाइज कलर चेंज करते रहना है जब तक ये हमारी व्हीकल गायब ना हो जाए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो अभी तक हटना नहीं है जब तक ये हमारी व्हीकल बिल्कुल गायब ना हो जाए। तो अब देखो यार मुझे काफी देर हो चुकी होती है इसे कलर को चेंज करते करते, बट भाई ये गायब हो ही जाती है। अब भाई मुझे लगा था कि ये मीट बस्टेड, मेरे समझ में नहीं आता इसमें मीट में कंफर्म हुआ क्या, यानी मैजिक क्या हुआ है। फिर यार देखो गाइज मैं इसको देखने लग जाता हूँ, जब मैंने ये मीट करा तो भाई कुछ ना कुछ तो इसके अंदर चेंज हुआ होगा, बट गाइज जैसे मैं गैलरी ओपन करता हूँ फिर मेरे समझ में आता है कि मेरे सामने तो व्हीकल है नहीं, और भाई ये कलर के ऑप्शन इतने सारे आ चुके भाई मैं यहाँ समझ जाता हूँ बिल्कुल। तो यार रियल में गाइज मैं तो भाई इस वाले मैजिक को देख के शौक में हो जाता हूँ, क्योंकि भाई मेरे सामने कोई भी व्हीकल नहीं है और इतने सारे कलर के ऑप्शन आ रहे, भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैजिक हुआ इस वाले मीट का। क्योंकि यार गाइज आप लोगों ने भी देखा होगा जब तक सामने व्हीकल नहीं होने की ये वाले ऑप्शन आने के नहीं, अब हम गैलरी में बिना व्हीकल के गैलरी में जाते तो हमारी शर्ट टी शर्ट और भाई कैप दिखता, बट भाई इसमें कलर का ऑप्शन आ रहा है आप लोग भी देख सकते हो। तो चलो गाइज जो हमारा पहला मीट होता है ललिता कुमारी की तरफ से इंटरेस्टिंग मीट होता है एंड भाई कन्फर्म होता है, तो गाइज ये वाला जो मीट है बिल्कुल कन्फर्म है। तो नेक्स्ट मीट है हमारा अमित कुमार भाई की तरफ से मीट, अगर आप बस और ट्रैक्टर में एक साथ बैठो होगा मैजिक। तो अब देखो यार गाइज ये वाला जो मीट है ना मैंने आई थिंक पहले भी ट्राई कर रखा है, मुझे पूरा यार याद नहीं, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, क्योंकि यार मैंने दो व्हीकल के साथ काफी सारे मिथ कर लिए, बट कोई बात नहीं देखेंगे ये वाला मिथ किस तरह का इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। तो भाई आप लोग देख सकते हो मैंने बस और ट्रैक्टर को दोनों को एक साथ खड़ा कर लिया है। तो यार हाँ जी मुझे इस वाले मिथ को तो देख के भाई इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि भाई एक तो बिग व्हीकल और एक स्मॉल व्हीकल, तो चलो भाई हम दोनों में बैठ चुके हैं। ऑल राइट गाइस समझ चुका हूँ भाई, जैसे मैं ट्रैक्टर के अंदर बैठ और मूवमेंट करी दोनों की मूवमेंट चालू हो चुकी है, यानी गाइज आप लोग खुद ही देख सकते हो कि मैं ट्रैक्टर को इधर उधर कर रहा हूँ तो अपनी बस भी इधर उधर हो रही है, और भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि ट्रैक्टर के अंदर इतनी जान तो है नहीं जो बस को इधर उधर कर दे भाई, बट यार ये बस को भी भाई पूरी के पूरा मूवमेंट दे रहा है ये ट्रैक्टर। और फिर यार जो मैं बस की फिरकनी बनाता हूँ ना भाई इधर से उधर, बट गाइज मैं इसमें एक और चीज ट्राई करता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई एक बार कैमरा एंगल चेंज करके देखते कुछ अलग से मैजिक हो जाए, बट मैं जैसे चेंज करता हूँ तो मुझे कुछ भी अलग से नहीं दिखता, सिंपली जैसे ट्रैक्टर पे भाई बैठा हुआ होता है वैसी बैठा रहता है। तो चलो गाइज काफी ट्रैक्टर को चलाने के बाद और साथ साथ में बस को चलाने के बाद देखने को मिलता है हमें भाई ज्यादा शॉकिट वाला मैजिक नहीं था, सिंपली छोटा सा मैजिक था, बट भाई मजा आया, तो ये वाला जो मीट होता है बिल्कुल कंफर्म होता है। ओके, जो नेक्स्ट मीट है हमारा मधु पांडे भाई की तरफ से मीट, अगर आप हाउस के पूल में पहले कोई बाइक स्पॉन करके उसमें जस्ट ऊपर मिनी जेट पैक स्पॉन करके साथ बैठोगे तो एक मैजिक होगा, प्लीज टेक माई मीट। तो अब देखो यार गाइज इस वाले मीट को जो पढ़ने में मजा आ रहा था भाई, मैं सोचने लग जाता हूँ इसे करने में कितना ज्यादा मजा आएगा और कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो भाई मैं अपने पूल के पास आ जाता हूँ यानी स्विमिंग पूल के पास आ जाता हूँ, तो जल्दी से अपनी फेवरेट बाइक को स्पॉन कर लेता हूँ यानी ZX10R को। तो चलो यार अपनी ZX10R भी स्पॉन हो चुकी है, अब मुझे इसके ऊपर एक मिनी जेट पैक को भी स्पॉन कर लेना है, तो भाई मिनी जेट पैक भी स्पॉन हो चुका है बिल्कुल सही तरीके से। तो अब चलता हूँ इसमें दोनों को एक साथ बैठ जाता हूँ, बटन भी आ चुका है, बट गाइज मैं जैसे ही बैठता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत तो मैजिक लगता है, मैं भाई थोड़ी आगे जाता हूँ तो
मिनी जेट पे बाइक गिर जाता है, यानी बाइक से अलग हो जाता है। तो चलो यार फिर अपुन क्या करता है, जल्दी से इस जेट पैक को दोबारा से इसके ऊपर स्पॉन करेंगे। बट जैसे ही मैं उतरता हूँ तो मेरे साथ क्या सीन होता है भाई, मैं जमीन के अंदर ही आ जाता हूँ। फिर मैं समझ जाता हूँ भाई मैजिक यही होगा भाई, और भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अब मेरे अंतिम कोई होने का ही नहीं, यानी यार मैं अब नीचे गिरने का ही नहीं। और भाई काफी मजा है इस वाले मीट को करने में, तो ये वाला भी जो मीट होता है बिल्कुल कन्फर्म होता है। तो हमारा जो अगला मीट है शोविक शाह की तरफ से मीट, अगर आप ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर बाइक स्पॉन करोगे तो ट्रैक्टर उड़ जाएगा, प्लीज टेक माई मीट। तो यार भाई शोविक शाह भाई ट्रैक्टर उड़ रहा है तो उड़ने तो हमारा क्या जाएगा। चलो गाइस मैं जंगल में आ चुका हूँ इस वाले मीट को करने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि जंगल में क्यों आयो भाई इस वाले मीट को करने के लिए। तो अब देखो यार गाइस मैंने एक भी मीट अभी तक जंगल में करा नहीं है, तो भाई मैं सोचता हूँ ये वाले मीट को हम जंगल में करते हैं और देखते हैं भाई जंगल में हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो जल्दी से भाई मैं ट्रैक्टर को स्पॉन कर लेता हूँ 9 डाल के। तो अब चलो इसके ऊपर अपनी ZX10R को स्पॉन कर लेते हैं, फेवरेट बाइक को। ये क्या भाई, ये तो हुई नहीं यार, थोड़ी सी आगे जा चुकी है, तो चलो हम पीछे को जाते हैं। अब जल्दी से दोबारा स्पॉन कर लेते हैं। और भाई जैसे मैंने दोबारा स्पॉन करी तो ये क्या, अपना ट्रैक्टर तो उसी जगह पे है। तो अब देखो यार मेरा हो जाता है बहुत ही ज्यादा मूड खराब, पहला मीट जंगल में करा और वो भी भाई उसका रिजल्ट ये निकल कर आया, यानी गाइस बस्ट का रिजल्ट दिख रहा है मुझे तो। बट चलो कोई बात नहीं, मैं सोचता हूँ भाई एक बार मैं ट्रक ट्रॉली के ऊपर स्पॉन करके देखूं, बस जल्दी से मैं ट्रक ट्रॉली को स्पॉन करा लेता हूँ। अब चलो गाइस हमारी ट्रक ट्रॉली भी आ चुकी है, अब जल्दी से मैं इसके ऊपर भाई ZX10R को स्पॉन कर लेता हूँ। अब गाइस ये थोड़ी सी पीछे हो जाती है, यानी शुरू में बाइक गिर जाती है भाई, एक ने एक फंडा हो रहा है जंगल में, तो भाई इसमें भी कुछ नहीं हुआ यार। तो चलो यार इस मीट को मैं बाहर की ओर करने चलता हूँ। तो अब देखो यार मैं बाहर को इस मीट को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ क्या जंगल का ये वाला मीट ना हो, जंगल में ना हो पा रहा हूँ, मेरी ये सोच है आई थिंक भाई खराब ये सोच। तो जल्दी से भाई मैं ट्रैक्टर को स्पॉन कर लेता हूँ, जल्दी से अब दोबारा से ZX10R को स्पॉन कर लेता हूँ। हाँ जी गाइज रियल में यार मेरी सोच बहुत ही ज्यादा खराब होती है, यानी गाइज ये वाला मीट होता है बिल्कुल बस्टेड। मैंने आपको जंगल के अंदर भी दिखा दिया, ट्रक ट्रॉली के ऊपर भी दिखा दिया, और तो और गाइज मैंने आपको बाहर भी दिखा दिया, तो ये मीट बिल्कुल बस्टेड है। तो चलो गाइज हमारे न्यू अपडेट के न्यू मीट बस इतने ही थे। आई होप आपको आज के न्यू अपडेट के न्यू मीट पसंद आए हो, तो यार मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और हाँ गाइज आप लोग भी यार मुझे मीट कमेंट करो, जो कि मैं अपनी वीडियो में आपके मीट ले सकूं। मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।